So, hey, what's up everyone, this is MJ and welcome back into another video of Illumator. So, in today's video, we are gonna do a tools video. Like, I'm gonna explain you tools and brushes and techniques about Infinite Painter. So, without wasting any more time, let's start the video, guys. So here we are in our Infinite Design application. So सबसे पहले जब आप application open करोगे तो आपको यहाँ पे एक new canvas के लिए एक blank document करके एक icon दिखेगा, उसके ऊपर click करना है. Then यहाँ पे आपको कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी, सिर्फ आपको यहाँ पे pixels adjust करने हैं अपने canvas के हिसाब से. So square के लिए मैं basically 2500 रखता हूँ. So आप लोगों को भी यही रख लेना है. आफ्टर दैट तुम लोग यहाँ पे देखोगे कि पूरा का पूरा एक फॉर्मेट आ जाएगा. सो यहाँ पे तुम सेटिंग में जाके यहाँ पे जो स्केल वाला ऑप्शन है, इससे अपने आइकन्स का साइज जो है वो बड़ा या छोटा कर सकते हो. बाकी यहाँ नीचे कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, बस यहाँ पे आई ड्रॉपर वाला होगा उसको तुम लोग सिलेक्ट कर सकते हो. बाकी यहाँ पे जो आप लोगों को ऊपर अपने टूल्स दिख रहे हैं जो मैंने ऊपर टॉप पे यहाँ पे अटैच करके रखे हैं, तो इनके लिए आपको करना क्या है, अपने टूल्स वाले सेक्शन में जाना है एंड कोई भी अपना टूल अपना होल्ड करके रखना है एंड उसको ड्रैग एंड ड्रॉप ऊपर कर देना है, तो वहाँ पे वो ऐड हो जाएगा. ठीक है, तो मेरे को स्क्वायर वाला मैंने ऐड करा, मेरे को नहीं चाहिए तो मैं इसके ऊपर होल्ड करूँगा एंड ये अपने आप गायब हो जाएगा. देन वील स्टार्ट विद अवर ब्रशेज. सो यहाँ पे आपको लेफ्ट कॉर्नर पे यहाँ पे ब्रशेस वाला आइकन दिख जाएगा, तो आप लोग मतलब ये वाला जो पूरा प्लेट है इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो. लाइक यहाँ पे होल्ड करके इसको मूव कर सकते हो कहीं पे भी. देन यहाँ पे मैं आपको ब्रशेस बता देता हूँ. यहाँ पे सबसे पहले बात तो इन्फिनिट पेंटर में काफ़ी ज़्यादा ब्रशेस मिल जाते हैं. लाइक अपने डिज़ाइन के जो कंपेरिजन में देखूँ तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उससे तो मतलब बहुत ही ज़्यादा ब्रशेज हैं यहाँ पे, और काफ़ी ज़्यादा सही भी रहते हैं जिनका यूज़ हम लोग करेंगे. जब अपनी जो आगे की वीडियोज आएंगे उनमें मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा, जो ब्रश हमें रिक्वायर्ड होंगे हम उन्हीं को सीखेंगे, बाकी हम ज़्यादा पे फोकस नहीं करेंगे. तो यहाँ पे जैसे आपको ये जो ब्रशेस दिख रहे हैं, यहाँ पे मैं फेवरेट वाली जो मैंने ट्रे अपनी ओपन करी है, सो ये आप लोग कैसे बना सकते हो. लाइक आपको कोई ब्रश सिलेक्ट करना है एंड हर्ट वाले आइकन पे टैप करना है और आपका जो ब्रश है वो मतलब सिलेक्ट हो जाएगा, मतलब फेवरेट में ऐड हो जाएगा. देन वी हैव इरेजर. तो इरेजर का काम आप लोगों को पता ही है कि इरेजर मतलब इरेज करना होता है. देन वी हैव साइज. तो साइज के लिए आप लोग ओपन करके भी साइज को एडजस्ट कर सकते हो या फिर ऐसे ही मतलब बाहर से इसको अप एंड डाउन करके इसका जो साइज एडजस्ट कर सकते हो. सेम विद ओपेसिटी. ओपेसिटी को भी आप ओपन करके एडजस्ट कर सकते हो या फिर ऐसे अप डाउन करके. देन कलर पिक करें, उससे कलर पिक कर सकते हो. देन यहाँ पे हमारे पास टूल शेप्स वगैरह वगैरह आ जाते हैं. तो यहाँ यूज़ करेंगे अपना जो टूल है वो रहेगा अपना लेजी टूल. सो लेजी टूल से हम लोग पूरा आर्ट वर्क क्रिएट करेंगे. बीच बीच में हम लोग अपना ये एक और टूल यहाँ पे मिल जाता है, इसको हम लोग यूज़ करेंगे. मैं इसको आगे बताता हूँ कौन सा टूल है. इसमें हम लोग पेन टूल का यूज़ इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि पेन टूल यहाँ पे आई डोंट नो कैसे यूज़ होता है, पता नहीं मेरी डिवाइस की दिक्कत है या फिर क्या सीन है, बट होता नहीं है मेरी डिवाइस में, पता नहीं क्या सीन है. बाकी यहाँ पे हमें एलिप्स वाला जो एक टूल मिल जाता है, इससे आप लोग एक मतलब एलिप्स जो शेप होती है उसको ड्रॉ कर सकते हो. लाइक एक सर्कल होता है, एक एलिप्स होता है, सो उसको आप लोग यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो लाइक इसको एडजस्ट करके. ये बेसिकली हमारे आइज के लिए या फिर जो मैंने अपने आर्ट वर्क में शॉर्ट ड्रॉ करी है उसमें ज़्यादा हेल्पफुल रहती है. ओके, लाइक थोड़ा सा कर्व हो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सही रहती है. देन यहाँ पे लाइन मिल जाती है, सो लाइन बेसिकली तुम लोग एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से ड्रॉ कर सकते हो. ओके, देन हमारे पास यहाँ पे टॉप पे यहाँ पे जो टूल्स आते हैं वो कलर्स आ जाते हैं, जैसे आपको कोई कलर फिल करना है. ओके, मैंने यहाँ पे एक शेप ड्रॉ करी, देन मैं इसको कलर चेंज करना चाहता हूँ, तो कलर सिलेक्ट करेंगे एंड इस पर टैप करेंगे, अपना कलर फिल हो जाएगा. देन ग्रेडियंट वगैरह का हम यूज़ करेंगे नहीं इस वाले मतलब जो ऐप में है, क्योंकि ग्रेडियंट की थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है. ओके, देन यहाँ पे हमारे पास और क्या आ जाता है, तो देन यहाँ पे हमारे पास शेप्स में आ जाते हैं, अपने सर्कल आ जाते हैं, पाथ आ जाते हैं एंड ऑल. सो हम लोग यहाँ पे पाथ वाला जो टूल है उसको भी यूज़ करेंगे. ओके, सो पाथ वाले टूल के काफ़ी ज़्यादा मतलब यू नो ऑसम सा एक फॉर्मेट रहता है, लाइक पेन टूल की तरह यूज़ होता है, बट इसमें थोड़ी सी मतलब एडवांटेजेस भी होती हैं एंड या डिसएडवांटेज तो कुछ नहीं होती, बस एडवांटेज होती हैं कि इसका कर्व जो थोड़ा सा मतलब पेन टूल के मुकाबले थोड़ा सा सर्कलिस्ट सा बन जाता है. बट एक एक दिक्कत होती है कि लाइक तुम्हारी अगर स्ट्रेट लाइन है उसको तुम लोग छोटा सा कर्व देना चाहते हो तो काफ़ी बड़ा कर्व बन जाता है. बाकी जो भी इसमें सीन रहेगा लाइक सॉल्व करने का वो मैं आपको अगली वाली वीडियोस में बता दूंगा. बाकी यहाँ पे ट्रांसफॉर्म वाला टूल है, लाइक मूव करना है आपको अपने ऑब्जेक्ट को. ओके, देन हम लोग यहाँ पे देखते हैं
बाकी तो यहाँ पे टूल्स वाला उतना सीन है नहीं। उसके बाद हम लोग अपनी लेयर्स में चल जाते हैं। सो लेयर्स में काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि जो मेन अपना काम रहने वाला है वो लेयर्स में रहने वाला है। सो ऊपर यहाँ पे आपको एक जो ये फिल्टर वाला ऑप्शन दिखेगा, इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पे ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा फिल्टर्स मिल जाएंगे, और साथ ही साथ में यहाँ पे एडजस्ट भी कर सकते हो। लाइक जैसे आपको इसको ब्लैक एंड व्हाइट करना है तो ब्लैक एंड व्हाइट फिल्टर लगा के पूरी पूरी लेयर ब्लैक एंड व्हाइट कर सकते हो। सो ये काफ़ी ज़्यादा सही मतलब एक फीचर है इनफिनाइट पेंटर का। इनफिनाइट डिज़ाइन में अगर हम देखें तो ऐसे कोई फीचर्स अभी तक अवेलेबल नहीं है, और मेरे को लगता है अपनी फ्यूचर में आएंगे। ठीक है, देन यहाँ पे ग्रुप वाला एक आइकन हमें मिल जाता है। सो ग्रुप भी आप लोग इनको बना सकते हो। लाइक आप इनको एक टाइप से स्क्रॉल कर सकते हो अपनी दोनों फिंगर से, एंड आपका एक ग्रुप क्रिएट हो जाएगा। सो ग्रुप का भी हम लोग यूज़ करेंगे आर्ट वर्क में, वो जैसे ट्यूटोरियल्स आएंगे मैं उसमें आपको बताऊँगा। देन यहाँ पे आपको एक लेयर्स वाला ऑप्शन मिलेगा। जैसे यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन मिल रहे हैं लेयर पे क्लिक करने के बाद। सो जैसे मैंने एक अलग से लेयर यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, अगर सोलो पे तुम लोग यहाँ पे क्लिक करोगे तो उससे होगा क्या, तुम्हारी जो एक लेयर है वही दिखेगी। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ट्रेस आ जाता है। सो इफ़ यू क्लिक ऑन दी ट्रेस देन क्या होगा, जो आपकी पीछे वाली लेयर है वो ट्रेस हो जाएगी, एंड जो मेन लेयर जिस पे आप लोग काम कर रहे हो वही सिर्फ मतलब विजिबल रहेगी पूरे एकदम ऑपेसिटी में। सो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। वैसे मैंने यूज़ तो नहीं किया, बट देखेंगे अगर किसी आर्टवर्क में हम लोग यूज़ करेंगे तो मैं ज़रूर आपको बताऊँगा। बाकी यहाँ पे अगर अपनी लेयर पे आप लोग डबल टैप करोगे तो यहाँ पे आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन मिल जाते हैं। ज़्यादातर जो ऑप्शन है वो अपने इनफाइनाइट डिज़ाइन की तरह ही है। बाकी यहाँ पे जो मेन है वो आता है यहाँ पे अपना क्लिप। सो क्लिप का जो काम होता है वो मैं बताता हूँ आपको। सो उससे आपको यहाँ पे लॉक वाला ऑप्शन मिल जाता है। लाइक यहाँ पे आप लॉक कर सकते हो लाइक लेयर को, यहाँ पे ड्रॉ नहीं करोगे। सो अभी क्लिप एंड मास्क वाला मैं बता देता हूँ। सो आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पे एक लेयर ड्रॉ करनी है। लाइक मान लो ये अपनी फेस वाली लेयर है, देन में हम लोग ऊपर वाले लेयर में जाएंगे। इससे ऊपर वाले लेयर में ध्यान रखना है ना, ऊपर वाले लेयर में जाएंगे एंड इसको क्लिप पे हम लोग क्लिक करेंगे। सो इससे होगा कि अब जब हम जो भी मतलब इसके ऊपर वाले लेयर पे ड्रॉ करेंगे वो सिर्फ आपके जो नीचे वाली शेप आपने ड्रॉ करी है उसके अंदर ही ड्रॉ होगा। जैसे तुम्हारी फेस शेडिंग होगी, क्लोज शेडिंग होगी, वो वगैरह वगैरह जो भी शेडिंग होगी वो काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाती है। लाइक तुम्हारे कलर बाहर फेड नहीं होता है इनफिनाइट डिज़ाइन की तरह। उसमें आप लोगों को सेगमेंट टूल मिल जाता है, लेकिन कई जगह सेगमेंट टूल भी काम नहीं होता, बट इसमें क्लिप यूज़ करने से आप लोगों का जो काम है एकदम सही हो जाता है। बस इसमें एक ही सीन होता है कि जब तुम लोग अपना मतलब शेडिंग करोगे तो तुम्हें लेयर्स काफ़ी ज़्यादा यूज़ करनी पड़ेंगी, वो चलो मैं आगे बता दूंगा अगले वाले ट्यूटोरियल्स में। बाकी या यही है। एंड यहाँ पे मास्क वाला है, मास्क वाला मैंने यूज़ नहीं करा अभी तक। वैसे इसका काम है लाइक तुम्हारा बैकग्राउंड एकदम इरेज हो जाता है एंड जो लेयर है उसी के अंदर काम होता है। सो ये भी क्लिपिंग वाला ही थोड़ा सा सीन है, बट इसको बताऊंगा आगे मैं। बाकी यहाँ पे भी तुम्हें मिल जाते हैं इम्पोर्ट का, सेव का ऑप्शन, ठीक है, रिकॉर्ड का ऑप्शन, लाइक तुम अपनी जो प्रोसेस है उसको रिकॉर्ड कर सकते हो एंड ऑल। बाकी या बाकी तुम्हारे यहाँ पे सेव का ऑप्शन मिल जाता है, तुम इसको कोई फॉर्मेट में सेव कर लोगे। सो या दैट्स इट। और यहाँ पे होम वाले ऑप्शन तुम पीछे जा सकते हो। ओके, सो आई थिंक यार इतना काफ़ी रहेगा। लाइक काफ़ी ज़्यादा टूल्स एंड ब्रश मैंने एक्सप्लेन कर दिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड पीस। खोल मेरे पलटों से ही अंजू में।